गाइस, आज हम इसका आम का मुरब्बा बनाएंगे। ये देखो मीठे वाला है और इसको पकाया भी नहीं जाएगा, ये धूप में ही बनाया जाएगा। इसको भी 5-6 दिन के लिए हम धूप में रखते रहेंगे और इसकी पौष्टिकता भी बनी रहेगी और इसमें आर्टिफिशियल कुछ कोई भी फ्लेवर नहीं डाला जाता। ये देखो जितना हमने ये इसको आम को छील कर काट लिया है, ऐसे लंबी लंबी फांके निकाल ली हैं और इसके बाद जितनी ये फांके हैं उतनी हमने चीनी लेनी है। चीनी लेने के बाद फिर हमने थोड़ा थोड़ा मसाला डालना है। इसमें नमक 2 कड़छी डाली जाती है, 2 कड़छी नमक डाली जाएगी इतने मसाले में। और फिर हम थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, इसमें थोड़ी सी 4 चम्मच लाल मिर्च है और 4 चम्मच ये काली मिर्च है। थोड़े से लौंग मर्तमान में डालने के लिए है और मगज डालने चाहो तो आप डाल सकते हो। और हम इसको सब मसालों को इसमें मिला लेंगे और धीरे धीरे इसको डाल डाल कर हम इसको भरते जाएंगे और इसको ऐसे ही फिर बाद में कपड़े से ढककर हम इसको बांधकर धूप लगवाते रहेंगे। जैसे कि हम चटनी भी इसको बना सकते हैं, ये पकाकर भी बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसको पकाकर नहीं बनाएंगे। देखो अब हम इस मसाले को मिक्स करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 1 कड़छी ही नमक डाला जाएगा क्योंकि ये मीठा मुरब्बा है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सी ये सौंफ और नमक और थोड़ी सी ही मिर्च, 1 कड़छी के मुताबिक आधी कड़छी ही हम इसमें डालेंगे बस। और आधी से भी आधी काली मिर्च डालेंगे बस। इसमें सिर्फ चीनी ही ज्यादा मिलाई जाती है और इसमें थोड़े से मगज मिलाना चाहो तो मिला लीजिए, नहीं तो नहीं। और इसको अच्छी तरह से मिलाकर हम बस मर्तबान में भर देंगे इसको मसाले के साथ, कैरी के साथ, ठीक है। ये देखो अब हम इसमें 2-3 कड़छियां पहले सूखे मसाले की इसमें डाल लेंगे, ठीक है। सूखे मसाले की हमने 4 कड़छियां इसमें डाल ली हैं। डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी ऐसे उठा के इसमें, अब देखो हमने इसमें कैरी डाली और इसमें मसाला डाला और इसको ऐसे थोड़ा सा हिलाया और हमने ऐसे इसको, इसका कलर ऐसा कितना अच्छा आ गया, इसकी खुशबू भी बहुत सुंदर है और इसकी पौष्टिकता बिल्कुल भी कहीं नहीं गई। ना हमने इसको गर्म पानी में डुबोया है, ना इसको उबाला है, ना इसको पकाया है। ये इसकी ऐसे ही टेस्ट भी बिल्कुल कच्चा आम जैसा रहेगा और आपको बहुत पसंद आएगी। हम इसमें मसाला डालकर और इसमें ये सारी कैरी डालते रहेंगे और इसको 5-6 दिन धूप लगानी है, चाहे 2 घंटे के लिए रोज लगवाएं और इस पर एक कपड़ा बांधो, चाहे इसको ढक्कन को ढीला रख के ऐसे ही इसको धूप में रख दीजिए और इसकी भाप बनती रहेगी और निकलती रहनी चाहिए, इसको एयर टाइट नहीं करना अभी। और ये भी ड्यूरेबल है, इसको भी कितनी देर के लिए हम रख सकते हैं, 2 साल तो ये कहीं नहीं जाती, इसको भी ध्यान रखना है। और ये बहुत पौष्टिक है और फायदेमंद है और सबके लिए बहुत अच्छी है, सबको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।